से कि उन्हें पनीर रोल कैसा लगा। एक्सक्यूज मैम, कैसा लगा पनीर रोल आपको? बहुत डिशेस। अच्छा, और छोटी आपको कैसा लगा पनीर रोल? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी फ्लेवरफुल एंड मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप यहां आए और इनका ट्राई करें एक बार। आप रेगुलर कस्टमर हो यहां के? इन्होंने सेजवान डाला है और बिल्कुल जबरदस्त, देख पा रहे होंगे बहुत ही ज्यादा स्पाइसी और लाजवाब पेंट आ रहा है और गजब का टेस्ट का अनुभव हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या बात क्या बात क्या बात। ये क्या डाल रहे हैं भैया? सोया सॉस डाला है और ये सॉस कलर के लिए इन्होंने डाला है और आपसे कुछ ही देर के बाद वेज मंचूरियन बन जाएगा। देख रहे होंगे गाइस आप, बिल्कुल ही स्पाइसी और एकदम फ्राइड तरीके से आपको यहाँ जो भी रेसिपी मिलेगा। और अब मंचूरियन कब डालना है भैया? अब ये मंचूरियन डालेंगे। एक प्लेट कितने मंचूरियन डालते हैं भैया? अच्छा, जैसे कि देख पा रहे होंगे इन्होंने मंचूरियन डाल दिया है, बिल्कुल ही स्पाइसी और यम्मी अंदाज में यहाँ आपको मंचूरियन, भेज मोमोस, फ्राइड मोमोस, सभी चीजें आपको मिल जाएगा। वीडियो बने रहिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्या भैया कंप्लीट हो गया? और ये भेज मंचूरियन कंप्लीट हो चुका है। कितना समय लगा भैया? 5 मिनट में आपको भेज मंचूरियन गर्मा गर्म एकदम यम्मी अंदाज में आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी मैं आ गया हूँ सतकोड़ी कॉम्प्लेक्स रामगढ़ बार्गेन बाजार के पास। और चूंकि आज फास्ट फूड खाने का मन था तो अभी मैं जिस कॉर्नर के फूड कॉर्नर के पास हूँ वो है आई लव रामगढ़ लाजवाब फूड बगी के पास। तो आइए जानते हैं भैया से क्या नाम है और इस फूड कॉर्नर के बारे में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम फहीम खान हुआ। फहीम खान हुआ। और ये फूड कॉर्नर आप कब से चला रहे हैं? ये मैं 2 जुलाई से चला रहा हूँ। 2 जुलाई से चला रहे हैं। और इस फूड कॉर्नर में आप क्या क्या रखते हैं भैया, कौन कौन सा रेसिपी? हमारे फूड कॉर्नर में आपको वेज नॉन वेज दोनों मिलेंगे, मगर हमारे यहाँ जो सबसे लाजवाब डिश है वो पनीर चिल्ली है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पनीर चिल्ली आपको लाजवाब फूड बगी में एकदम बिल्कुल ही स्पाइसी और यम्मी अंदाज में मिलेगा, है ना भैया? हम रेस्टोरेंट हमारे सामने कुछ पीछे पड़ जाते हैं ऐसा कस्टमर भी बहुत वापस आते हैं। मीन्स जो फीडबैक है भैया के कहे अनुसार आप रेस्टोरेंट में जो आप पनीर चिल्ली का जो मजा ले रहे थे आप इस फूड कॉर्नर में भी आके इसका मजा ले सकते हो। लाजवाब फूड बगी आई लव रामगढ़ जो कि सतकोड़ी कॉम्प्लेक्स के पास है। तो जो नए कस्टमर होंगे भैया उनको यहाँ आने के लिए कैसे आएंगे वो? ये हमारे पास आने के लिए उनको थाना चौक से लेफ्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे सतकोड़ी कॉम्प्लेक्स के पास ही है, जस्ट उनके अपोजिट साइड में। मतलब आप नए भी हो तो आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली तरीके से यहाँ आ सकते हो। हाँ। और एक सस्ते रूप से आप भेज रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया भेज आया, और जैसा कि प्याज और शिमला मिर्च भी इन्होंने डाल दिया है और अब ये फ्राइड कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही मजेदार। क्या बात क्या बात क्या बात, कुछ ऐसा ही अंदाज। और इन्होंने जैसा कि गैस के फ्लेम को बढ़ा दिया है और इन्होंने अब डाला है तेल। और इन्होंने जैसा कि गैस के फ्लेम को बढ़ा दिया है और इन्होंने अब डाला है तेल। और पहला स्टेप में इन्होंने पनीर को काट लिया था जो कि बिल्कुल फ्रेश पनीर था। और जैसा कि फ्रेंड्स अभी आप देख पा रहे होंगे ये प्याज का कटिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इन्होंने प्याज का कटिंग कर लिया है और शिमला मिर्च में इन्होंने काट दिया है और तेल में ये फ्राइड कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये तेल में फ्राइड कर रहे हैं।
दोस्तों जैसा मैंने सुना है रेस्टोरेंट से ज़्यादा स्पाइसी इनका ये फूड कॉर्नर का डिशेस होता है। तो ये कितना पनीर रोल कितना बना रहे हैं? दो पनीर रोल बना रहे हैं ना? दो पनीर रोल का आइटम इन्होंने डाल दिया है। दोनों पनीर रोल कटिंग जो था, दो पनीर रोल वो अभी तेल में ये फ्राइड कर रहे हैं। कितना देर लगेगा भैया फ्राइड होने में? 5 मिनट। जब ये इसका रेडनेस आ जाता है उसके बाद इसको आप निकाल देते हो। जैसे फ्रेंड जैसा कि देख पा रहे होंगे, जब इसमें लालिमा आ जाता है, रेडनेस आ जाएगा, रेडिस हो जाएगा ये पनीर, उसके बाद ये उस पनीर को निकालेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस बताएंगे। और फ्रेंड जैसा कि देख पा रहे होंगे लगभग इनका पनीर फ्राइड होने वाला है और ये पनीर अब निकालेंगे। अब ये पनीर को निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये इसे फ्राइड कर लिए हैं और नेक्स्ट का प्रोसेस जानेंगे कि हम पनीर रोल में और आगे क्या करते हैं। ये अब क्या करेंगे भैया? प्याज डालेंगे, प्याज और अब ये प्याज को फ्राइड करेंगे। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये अदरक का पेस्ट और लहसुन का इन्होंने डाल दिया है। और जैसा कि प्याज और शिमला मिर्च भी इन्होंने डाल दिया है और अब ये फ्राइड कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही मजेदार। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कुछ ऐसा ही अंदाज में आपको सभी डिशेस आपको मिलेंगी। और अगर आप रामगढ़ से हो या फिर इस जगह से आप अनजान हो तो आप इस फूड कॉर्नर में आके अच्छे अच्छे डिशेस का मजा ले सकते हो। मैंने भी भेज मंचूरियन का ऑर्डर दिया है और ये पनीर इन्होंने डाल दिया है इसमें। और फाइनली ये इसका मिक्सअप करके इसको फ्राइड कर रहे हैं ना भैया? और ये दो पनीर रोल बन रहा है भैया। दोस्तों अब देख पा रहे होंगे 70 रुपये में क्वांटिटी कितना ज़्यादा है। आपको ज़्यादा क्वांटिटी और अच्छा टेस्ट यहाँ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि 70 रुपये आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्वांटिटी भी मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे पनीर की मात्रा कितना है दोस्तों, ठीक है। ये नमक डाल रहे हैं ना भैया? हाँ। ये इन्होंने इसमें नमक डाल दिया है, ये गोलकी है। और ये गोलकी का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा नमक डाल दिए और ये थोड़ा सा नमक डाल दिया इन्होंने और ये सोया सॉस इन्होंने इसमें डाल दिया है। विनेगर है, विनेगर इसमें डाला है इन्होंने। बूस्ट कलर है और ये बूस्ट कलर डाल दिया है इन्होंने। जी ललचाए रहा ना जाए। जी हाँ, और इस फूड कॉर्नर का नाम लाजवाब फूड बगी है और लाजवाब इनका डिश होता है। और सेजवान मिर्च इन्होंने इसमें डाल दिया है। आप कलर देख पा रहे होगे, जब देखने में इतना अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कस्टमर का भीड़ बढ़ता जा रहा है और जो पनीर रोल जो अभी ऑर्डर दिया गया था, तो आइए जानते कस्टमर से कि उन्हें पनीर रोल कैसा लगा। एक्सक्यूज मैम, कैसा लगा पनीर रोल आपको? बहुत डिशेस। अच्छा, और छोटी आपको कैसा लगा पनीर रोल? आप रेगुलर कस्टमर हो यहाँ के? नहीं, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये फर्स्ट टाइम मैम यहाँ ट्राई कर रही हैं पनीर रोल। और उन्होंने बताया इसका पॉजिटिव रिव्यू कि बहुत ही लाजवाब और यमी टेस्ट है ना छोटी? और अगर आप इस टेस्ट से बेखबर हैं और अनजान हैं तो आप सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स रामगढ़ थाना चौक आ सकते हैं। और आप रामगढ़ थाना चौक से लेफ्ट साइड आओगे तो आपको आई लव रामगढ़ लाजवाब फूड बगी एक फूड कॉर्नर मिलेगा और आप यहाँ अपने पसंदीदा डिश खा सकते हो, वो भी।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दबाकर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।